नमस्कार दोस्तों, मैं राम शर्मा मैथ पॉइंट में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। और दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं पाइप और टंकी के मोस्ट महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। वो क्वेश्चन ज्यादातर जो है वो मैं कराने जा रहा हूं आपको, वो एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, एसएससी में पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखें, आप स्किप करके वीडियो को ना देखें, ताकि आपके समझ में जो भी क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूं वो आपको बेहतर तरीके से समझ में आ सके। चलिएगा, आज हम स्टार्ट करते हैं। कल मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था कि मोस्ट क्वेश्चनों में कौन से क्वेश्चन आते हैं जब दो या दो से अधिक नल किसी टंकी में काम कर रहे हो, लगे हुए हो, तो हम उन क्वेश्चनों को कितनी आसानी से और जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन ये है, जैसे मान लीजिएगा कोई है, क्वेश्चन ये है और क्वेश्चन कह रहा है किसी टैंक में, अब तक हम दो या तीन नल की बात करते थे, किसी टैंक में आठ नल लगाए गए हैं, आठ नल लगाए गए हैं जिनमें कुछ भरने वाले व कुछ खाली करने वाले हैं, खाली करने वाले हैं। क्या है? कुछ तो भरने वाले हैं, कुछ खाली करने वाले हैं। प्रत्येक भरने वाला नल, सर थोड़ा मोटा, प्रत्येक भरने वाला नल बाह्य आवरण में भर सकता है और खाली करने वाला 36 आवर में खाली कर सकता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, समझना है, कर सकता है। तो भरने वाले, इसको जूम करके क्वेश्चन दिखा दे, भरने वाले नलों की संख्या ज्ञात करो जबकि अगर पूरी टंकी को भरने में, इसको क्वेश्चन को जूम करके देखा, तीन आवर्स लगते हैं। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो दोस्तों, अब तक हम दो या तीन नल के बारे में बात करते थे, अब हम बात करेंगे दो या तीन नल से अधिक। तो मैंने ये सोचा और इसमें दिया हुआ है कि प्रत्येक भरने वाला नल, मतलब कोई भी एक नल होगा वो 12 घंटे में भर देता होगा, और जो खाली करने वाला नल है वो 36 घंटे में खाली कर देता होगा। माइनस क्यों लगाया है? क्योंकि खाली करने वाला है, तरीका वही है, काम वही करना है। एलसीएम लिया, एलसीएम कितना आ गया दोस्तों? 36। कितना आ गया? 36। मतलब अगर भरने वाला एक घंटे काम करेगा तो 3 लीटर पानी भर देगा भाई साहब। अगर ये काम करेगा इसका मतलब है 1 लीटर पानी खाली कर देगा। अब हमें ये पता नहीं है कि वास्तविकता में भरने वाले नल कितने हैं, ये पता है कुल नल 8 हैं, खाली करने वाले नल कितने हैं। तो इन प्रकार के क्वेश्चन को हम देखते हैं। मैंने मान लिया और मैंने कह दिया आपसे कि मैं तो मान लेता हूं जो सब पूरे के पूरे जितने भी नल दिए हुए हैं वो भरने वाले हैं। अगर वो भरने वाले हैं, नल कितने हैं? 8। अगर वो भरने वाले होंगे तो 1 घंटे में कितने लीटर पानी भर दें, मतलब मैं यहां लिख देता हूं भरने वाले और यहां लिख देता हूं खाली करने वाले, ठीक है। अब भरने वाले 8 नल है, मैंने मान लिया सारे के सारे जो है वो भरने वाले नल हैं, और भरने वाले अगर नल हैं तो 1 आवर में 3 लीटर में से 8 नल लगाएंगे तो कितने लीटर पानी भर देंगे? 24 लीटर पानी भर देंगे।
अब देखो वो कह रहा है मैंने अब ये मान लिया कि भरने वाले नहीं है वो नल खाली करने वाले हैं प्रत्येक, तो एक घंटे में एक लीटर पानी खाली करेंगे एक नल, तो आठ नल कितना लीटर पानी खाली कर देंगे माइनस के आठ, ये कर देंगे। लेकिन क्वेश्चन कुछ ऐसे कह रहा है तुमसे, क्वेश्चन ये कह रहा है और कह रहा है कि अगर इन दोनों को चलाया जाए अगर ये, तो भरने वाले नलों की संख्या, जबकि अगर पूरी टंकी को भरने में 3 आवर लगते हैं, पूरी टंकी कितने लीटर की है 36 लीटर की, अगर भाई 36 लीटर हमें भरना है तो कितने आवर लगते हैं 3, इसका मतलब है कि 12 आवर ये नल चले होंगे, 3 आवर में भर दिया तो मतलब इन्होंने 12 घंटे काम किया होगा, 3 घंटे लगते हैं। अब देखिएगा तुमसे वो कह क्या रहा है, ये 36 है 3 घंटे में लगते हैं, पूरी टंकी अगर 3 घंटे में भरती है तो ये कितना लीटर पानी भर रहे होंगे, ये 12 लीटर पानी भर रहे होंगे, सॉरी आवर्स नहीं है, 12 लीटर पानी भर रहे होंगे एक घंटे में, तभी तो भाई 36 लीटर पानी भर दिया 3 घंटे में। अब देखो कितना लीटर 12 लीटर और हो भी गया सवा। हमेशा रेशो का एक नियम होता है कि हमेशा बड़े वाले में से छोटा वाला घटाया जाता है, और वो क्या है वो ये देखिएगा दोस्तों, इसको यहां से सबट्रैक्ट कर दो। अब देखो मुझे पता है 24 में से 12 जाएंगे तो कितना बचेगा 12 लीटर, समझ में आ रहा है दोस्तों। अब यहां देखो आप 12 में से 8 जाएंगे, माइनस का पहले से ही है और माइनस और लग गया तो प्लस हो गया तो कितना हो जाएगा 20, L से L कैंसिल आउट हो गया, 4 से 5 बार कट गया और 4 से कितनी बार कट गया 3 बार, तो मैं कह सकता हूं कि भरने वाले नलों की संख्या कितनी है 5, खाली करने वाले नलों की संख्या कितनी है 3, और मैंने इन क्वेश्चनों को आसानी से निकाल लिया। वो कैसे, मैंने ये कहां से आया, ये 12 कहां से आया मैं आपको बता देता हूं। पूरी टंकी कितने लीटर की थी 36 लीटर की थी भाई, 3 घंटे में भर रहे थे, इसका मतलब है अगर खाली करने वाला भरने वाला 1 घंटे में कितने लीटर पानी भर रहे होंगे 12 लीटर, तभी तो वो 3 घंटे में 36 लीटर भर देते हैं, तो 12 लीटर मैंने यहां कर दिया तो भरने वाले नलों की संख्या कितनी आ गई 5, खाली करने वालों की नलों की संख्या कितनी आ गई 3, इसीलिए तो कहा था कि 8 नल लगे, देखना भरने वाले 5 खाली करने वाले 3, तो मैं कह सकता हूं कि इसमें कितने नल लगे थे 8। आइएगा एक और क्वेश्चन करते हैं सेम इसी टाइप का। अब देखिएगा मान लीजिएगा इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ, और वो क्वेश्चन चेंज में कैसे करता हूँ, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एसएससी में, कई बार पूछा गया है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जैसे मान लो मैं इनकी डिजिट चेंज कर देता हूँ थोड़ी बहुत, आप देखना क्वेश्चन को फिर करके देखना कि हमारी ये चीजें समझ में आई या नहीं। मैंने बोला कि 12 नल लगाए गए हैं, कुछ भरने वाले हैं कुछ खाली करने वाले हैं, प्रत्येक भरने वाला 6 आवर में, ठीक है ना, अगर ये दो और खाली करने वाला जो है वो 12 आवर में, जैसे मान लिया 12 आवर में खाली कर सकता है, और पूरी टंकी को भरने में 4 आवर लगते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सरल क्वेश्चन है, करके भी देखना है। देखो क्या कह रहा था, 12 भरने वाला है मतलब 1 नल लगा होगा वो भरने वाला, 1 नल लगा होगा खाली करने वाला, तो मैंने माइनस लगा दिया, एलसीएम लिया तो कितना आ गया 12, 1 घंटे में ये कितना काम करते हैं 1 घंटे में ये कितना खाली करता है, मतलब ये 2 लीटर पानी डाल रहा होगा और ये 1 लीटर पानी निकाल रहा होगा, तो इसका मतलब ये हो गया 2 लीटर पानी भर रहा है और 1 लीटर पानी निकाल रहा है। लेकिन हमें ये पता नहीं है कि भरने वाले नल कितने हैं और खाली करने वाले नल कितने, यही तो पूछा है, भरने वाले नलों की संख्या पूछी है। अब देखना मैं ये मान लेता हूं एक सेकंड के लिए कि जो जितने भी नल लगे हुए हैं, कितने नल लगे हुए हैं 12, वो सभी भरने वाले हैं, इसका मतलब है अगर मैं भरने वाले नल मानू, भरने वाले नल और एक होंगे खाली करने वाले, ठीक है दोस्तों, तो भरने वाले नल मानो कितने नल है 12, 1 घंटे में 2 लीटर पानी भरता है 1 नल, तो 12 नल कितना पानी भर देंगे 24 लीटर। अब खाली करने वाला 1 घंटे में 1 लीटर पानी खाली करता है, ऐसे 12 नल लगे होंगे तो 12 लीटर पानी खाली कर देंगे, और वास्तविकता में अगर देखा जाए इस टंकी में 12 लीटर पानी है, उसको भरने में कितना टाइम लगाते हैं 4 घंटे, इसका मतलब है 1 घंटे में कितना लीटर पानी भरते होंगे 3, और ये मैंने बना भी दिया। देखो साहब क्वेश्चन भी हो गया,
यहां से मैंने किया 24 में से 3 गया तो 21 बचा होगा, और ये जो हुआ ये जो बचा है 3 में से, भाई बड़े में से क्या घटाना है छोटा, बड़ा कौन है 3 या माइनस के 12 3, तो 3 में से माइनस के 12 घटाऊंगा तो जुड़ जाएंगे, ये कितना हो जाएगा 15, ये कट गया 3 5 15 और 3 7 21, इसका मतलब है भरने वाले नलों की संख्या 5, खाली करने वाले नलों की संख्या 7। तो हमने देखा बड़ी आसानी से हमने इन क्वेश्चनों को बहुत ही इजी वे में सॉल्व कर लिया। दोस्तों ये दोनों जो क्वेश्चन कराए हैं आपको बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, इन क्वेश्चनों को बार बार रिवीजन करके देखना है, बार बार पढ़ना है, और हो सकता है इस तरीके को आपने शायद नहीं पढ़ा हो, तो इन तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आइएगा अब हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं पाइप और टंकी में, और अब हम देखते हैं दोस्तों धारिता पर आधारित प्रश्न, कैपेसिटी पर आधारित प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, एग्जाम में उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं। आइएगा देखते हैं कुछ इस प्रकार से। जैसे मान लीजिएगा दोस्तों कभी कभी हम स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि सर बहुत लो लेवल करा रहे हैं, लेकिन दोस्तों जब तक हम लो लेवल की चीजें नहीं सीखेंगे तब तक हम अप लेवल के क्वेश्चनों को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो हमने देखा पाइप और टंकी को हमने बहुत बेसिक से स्टार्ट किया और बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों पे आपको मैंने बताया, और आशा है कि आपको समझ में भी आ रहे होंगे। दोस्तों लाइक जरूर करते चले। देखो अब जैसे मान लीजिएगा तुमसे ये कहेगा और ये बोलेगा किसी एक छेद भरी टंकी को, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है समझना है, भरी टंकी को 8 आवर में खाली कर देता है। कितने आवर में दोस्तों? 8 आवर में खाली कर देता है। भरी टंकी में छह लीटर प्रति मिनट, ठीक है ना, की दर से टंकी को भरने वाला नल खोलने पर टंकी 12 आवर में खाली हो जाती है, तो टंकी की धारिता, टंकी की कैपेसिटी, टंकी में कितना पानी आ सकता है। अब देखिएगा दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, इन क्वेश्चनों को पता नहीं हम किस किस विधि से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें करना है जिस टाइप से हमने टाइम इंटरवल समय और कार्य पढ़ा था, और जिस टाइप से हम पाइप और टंकी पढ़ते हुए आ रहे हैं। चलो करते हैं। एक छेद था इतने घंटे में खाली कर सकता है, मतलब मैंने देखा कोई भी जो पाइप था वो खाली करने वाला था, मतलब इसको 8 घंटे में खाली कर सकता है, माइनस लगा दिया। भरी टंकी में 6 लीटर प्रति मिनट की दर से टंकी को भरने वाला नल, मतलब एक कोई भरने वाला नल है, खोल दिया है, खोलने पर टंकी को 12 घंटे में खाली हो जाती है, मतलब एक तो भरने वाला एक तो खाली करने वाला नल चल रहा होगा, माइनस वाला एक भरने वाला नल चल रहा होगा, फिर भी अगर ये दोनों चलते हैं तो टंकी 12 घंटे में खाली हो जाती है। भाई वही एलसीएम लेना है, कितना आ गया 24। यहां से मैंने देखा दोस्तों यहां से कितना आएगा जल्दी बोलो, यहां से आएगा -3 और यहां से आएगा कितना -2, मतलब अगर ये अकेला नल चल रहा है तो 3 लीटर पानी निकाल रहा है उस टंकी में से, और अगर ये दोनों नल चल रहे हैं, दोनों कौन कौन, एक तो भरने वाला और एक खाली करने वाला, तो -2 निकाल रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ए का मान -3 दिया हुआ है, बी का मान निकालना है, इसका मतलब कितना भर रहा होगा ये, भाई 1 लीटर भर रहा होगा, 1 घंटे में 1 लीटर पानी भर रहा होगा, लेकिन
भाई एक घंटे में एक भाई क्यों आया एक, जैसे देखो इधर मैं आपको दिखा देता हूं माइनस एक का वैल्यू कितनी दी हुई है, माइनस का तीन प्लस बी, और इसका मान कितना दिया हुआ है माइनस के दो, तो बी का मान यहां से कितना आ जाएगा एक, मतलब एक घंटे में एक लीटर। अब देखना दोस्तों कितने लीटर पानी खाली करवाना है या टंकी में कितने लीटर पानी है, 24, एक घंटे में एक लीटर। और भैया वो कह रहा था कि वो तो एक मिनट में 6 लीटर पानी खाली करता है, जब एक मिनट में करता है 6 लीटर तो भाई एक घंटे का मतलब 60 मिनट में कितना करेगा, जल्दी बोलो भाई 6 × 60 मतलब कितना कर देगा 360 लीटर। लेकिन उसको खाली कितना करना है 24, इसका मतलब है उसको तो 24 खाली करना था, तो यहां से कितना आ जाएगा, हमने देखा इसका जब हम मल्टीपल करते हैं तो ये आ जाएगा 8640 लीटर। इसका मतलब है कि इस टंकी की जो धारिता है, टंकी की जो क्षमता है वो 8640 लीटर की है। 60 का गुणा मैंने क्यों किया, क्योंकि वो कह रहा था दोस्तों पर मिनट, और ये टाइम जो आया था पर आवर, एक आवर में कितनी मिनट होती है 60, इसलिए कितने का गुणा कर दिया 60 का। भाई ये तो हो गया खाली, लेकिन हमें तो खाली कितना करवाना था 24, तो इसका मतलब हमें तो ये खाली करवाना था, तो कितने लीटर की क्षमता हो गई 8640। आइएगा कुछ और क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार के, बड़े मोस्ट क्वेश्चन है, बड़े अच्छे क्वेश्चन है, समझना है, नहीं समझ में आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि सर ये चीजें हमारी थोड़ी कम समझ में आई है, ताकि मैं आपके लिए और बेहतर क्वेश्चन करा सकूं। जैसे मान लो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन ये है दो नल एक टंकी को क्रमशः 20 तथा 24 आवर में भर सकते हैं, ठीक है, और एक निकासी नल, एक निकासी नल एक घंटे में, समझना है क्वेश्चन, एक घंटे में 60 गैलन मतलब पानी को नापने की कोई एक मात्रा है गैलन, पानी खाली कर सकता है, एक साथ तीनों नल टंकी एक साथ तीनों नल खाली टंकी को 40 आवर में भर सकते हैं। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। तो टंकी की क्षमता क्या पूछी है, टंकी की क्षमता पूछी है, कैपेसिटी पूछी है। अब देखिएगा दोस्तों गैलन में, तुमसे क्या कह रहा था भाई, कोई ए नल लगा हुआ था वो कितने आवर में, 20 आवर में, समझने की कोशिश करना, कोई दूसरा नल लगा हुआ था वो 24 आवर में। लेकिन दोस्तों आपसे कह क्या रहा है क्वेश्चन में, एक तीसरा भी नल लगा हुआ है, लेकिन ये नहीं कह रहा हूं कि वो इतने आवर में खाली करता है, नहीं साहब, उसने दिया हुआ है कि एक आवर में 60 गैलन पानी खाली करता है, तो वो पूछ रहा है कि उस टंकी में कितनी क्षमता है या उस टंकी में कितना पानी भरा हुआ है। अब देखना तीसरा जो पाइप था कोई खाली करने वाला था, उसका मुझे पता नहीं था, भाई माइनस लगा दिया खाली करने वाला है, लेकिन तीनों नल अगर एक साथ चलते हैं, अगर ये तीनों नल चले, कौन कौन से, ए बी भी भरने वाला है, सी खाली करने वाला है, तो ये कितने घंटे में भर देते हैं, 40 आवर में उसे भर देते हैं, तरीका वही है, काम वही करना है। तो मैंने क्या ले लिया, 120 क्या ले लिया दोस्तों, एलसीएम ले लिया, भाई ए वाला पाइप चलेगा तो 6 लीटर पानी भरेगा एक घंटे में, बी वाला पाइप चलेगा तो 5 लीटर पानी भरेगा, अगर ये तीनों चलेंगे तो ये 3 लीटर पानी भरेंगे भैया,
भाई तीनों चल रहे हैं यहां से। अब हमने देखा कि भर सक खाली टंकी को 40 आवर में भर सकते हैं, ठीक है। अब देखो दोस्तों, तुमसे क्या कह रहा था कि अगर ये देखा जाए कि ए प्लस बी प्लस सी जो है वो 3 लीटर भर रहे, लेकिन तो अगर ये दोनों भर रहे थे जब ये 11 लीटर पानी भर रहे थे, और अगर ये तीनों को चला दिया जाए तो 3 लीटर ही भर रहा है मात्र, तो वो 8 लीटर फिर कहां गया? इसका मतलब है 8 लीटर खाली हो गया होगा, 8 पानी चला गया होगा, तो 8 लीटर पानी खाली कर दिया सी ने, और एक घंटे में कितने लीटर पानी खाली कर दिया? 60 लीटर। एक घंटे में कितना पानी लीटर खाली कर दिया? ये कहां से आया भाई? ये दोनों भर रहे थे 6 और 5 11 लीटर, और ये तीनों भर रहे हैं 3 लीटर, तो वो 8 लीटर कहां गए? 8 लीटर किसने खाली किया होगा? सी ने। और हमें तो खाली कितना करवाना है सी से? 120 लीटर। इसका मतलब है कितनी देर में कर देगा? 120/8, एक घंटे में इतना लीटर पानी खाली कर देगा। लेकिन वो एक घंटे में कितना गैलन पानी खाली करता है? 60। तो इसका मतलब मैं यहां से लिख सकता हूं 120/8 × क्या हो जाएगा दोस्तों? 60। 4 से काट लिया 3 बार, ये कट गया 2 बार, ये कट जाएगा 15, और 15 × 6 कितना हो गया? 90। तो मैं ये कह सकता हूं कि वो टंकी थी वो कितने लीटर की थी दोस्तों? 900 लीटर की वो टंकी थी। अगर मान लीजिएगा कुछ इस प्रकार होता, 160 होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें दोबारा से ये क्वेश्चन समझना है, ये 8 कहां से आया भाई? अगर ए और बी दोनों चले तो ये 11 लीटर पानी भर रहे, और अगर तीनों को खोल दिया जाए, तीनों कौन कौन? 2 भरने वाले 1 खाली करने वाले, तो ये 3 ही लीटर पानी भर रहे हैं। तो भाई 11 भर रहे थे, 2 और 3 भर रहे हैं, इसका मतलब 8 लीटर पानी कहाँ गया? मतलब टंकी में से गया। कोई छेद हो रहा होगा, कोई तीसरा पाइप होगा, वो निकासी पाइप होगा, निकालने वाला पाइप होगा, उसने पानी को निकाल दिया होगा भाई, 8 लीटर पानी निकाल दिया। तो अगर ऐसे ही चलता रहा तो 120 लीटर उसको निकालना है, तो 120/8 ये निकाल देगा। लेकिन वो कह रहा है कि एक आवर में वो तो 60 गैलन पानी खाली करता है, तो भाई 60 करवाना था, ये कितने टाइम में कर देगा? 60 करवाना था, इसका मतलब टोटल जो क्षमता है वो कितनी आ जाएगी? 900 लीटर। अगर गैलन में पूछता है तो आप क्या लिख दोगे? 900 गैलन। दोस्तों मुझे आशा है कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, बहुत बढ़िया लग रहे होंगे। लाइक करते चले, शेयर करते चले, ताकि मैं आपके लिए और बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन ला सकूं और मैं खुद मोटिवेट हो सकूं। देखिएगा दोस्तों, एक लास्ट क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल में मेंस में 2015 में पूछा जा चुका है, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, इसको समझना है। थोड़ा सा समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट करना है। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में पूछा गया है 2015 में, ठीक है ना, और ये मेंस में पूछा गया है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये कहता है, क्वेश्चन कहता है पानी से पूरी तरह भरे हुए, पानी से पूरी तरह भरे हुए पानी के घनाकार टैंक से यदि 64 बाल्टी, कितने बाल्टी? 64 बाल्टी पानी निकाल लिया जाता है, तो 1/3 टैंक पानी से भरा रहता है, ठीक। टैंक की प्रत्येक भुजा 1.2 मीटर है। माना कि सभी बाल्टियां समान
माँ की है, ठीक है ना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो प्रत्येक बाल्टी का आयतन क्या होगा, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, पूछा गया है, हमें आसानी से इन क्वेश्चनों को समझना है। देखना दोस्तों क्या कह रहा था कि पानी से भरे पूरी तरह घनाकार टैंक के यदि 64 बाल्टी पानी निकाल लिया जाए, भाई टंकी की धारिता पता है क्या, टैंक की धारिता पता है क्या, टैंक में कितना पानी आ सकता है, नहीं पता। हम मान लेते हैं कि जब मुझे दोस्तों एक बात बताइए कि 1/3 पानी से भरा हुआ होगा, भरा है तो खाली कितना होगा, भाई 2/3 होगा, 1 - 1/3, तो ये भरा हुआ ये खाली होगा। और इस खाली में से ये कह रहा है पानी से भरा रहता है, और तुमसे कह रहा था वो कि ये भरा हुआ है तो ये पानी निकला होगा, और ये पानी निकला है, निकाल लिया जाता, और कितना निकाला है वास्तविकता में 64 बाल्टी। मतलब अगर 2/3 निकाला गया, मैं मान लेता हूं टैंक की क्षमता एक्स है, मतलब टैंक में एक्स लीटर पानी आता है, तो वो किसके बराबर होगा दोस्तों, वो 64 के बराबर होगा। समझ में आ रहा है दोस्तों, वो 64 के बराबर, और 64 किसके बराबर होगा, वो 64 बाल्टी के बराबर होगा। अब हम यहां थोड़ा सा करने की कोशिश करते हैं, वॉल्यूम, भाई घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यू, और भुजा कितनी दी हुई है 1.2, और क्यू करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 1.2, ये क्या हो जाएगा 1.2, ये हो जाएगा मीटर क्यू। और मैं आपको बता देता हूं कि मीटर क्यू जो होता है, एक मीटर क्यू में जो होते हैं वो होते हैं 1000 लीटर। भाई अगर मीटर क्यूब को हटाना है, लीटर में चेंज करना है, तो ये 1.2 × 1.2 × 1.2 × क्या करना पड़ेगा 1000। तो मैं यहां से कह सकता हूं भाई 3.3 कट जाएंगी, तो ये आ जाएगा इतना लीटर, कितना आ जाएगा, इतना लीटर आ जाएगा। मतलब ये उस टैंक का आयतन आ गया, और आयतन हमने क्या माना था एक्स, एक्स की जगह पे इसको रख दो भैया 12 × 12 × 12, और यहां कितना हो जाएगा 64 बाल्टी। और ये अगर 64 हो जाएगा, ये कितनी बार कट गया 4 बार, ये कितनी बार कट गया 16 बार, ये 4 दीवार है, ये 4 बार, ये 4 दीवार है, ये कितना हो जाएगा, इतनी बार क्यों हो जाएगा 9 × 9 = 18। इसका मतलब है कि 1 बाल्टी में कितने लीटर पानी आएगा 18 लीटर, कितने लीटर पानी आएगा 18 लीटर पानी आएगा 1 बाल्टी। भाई हमने देखा 1/3 भाग भरा हुआ है, 2/3 खाली हो गया, मतलब निकाला गया होगा उसमें से, उसने निकाला कितना है 64 बाल्टी। मतलब निकाला किसमें से है, टैंक की क्षमता में से, टैंक की धारिता में से, कितना मान लिया x, तो x का 2/3 निकाला वो किसके बराबर है 64 बाल्टी के बराबर। आयतन निकाला हमने कितना आया 12 × 12 × 12 लीटर, x का मान रख दिया, तो मैंने देखा कि 1 बाल्टी की जो क्षमता है वो कितनी हो जाएगी 18 लीटर की। दोस्तों मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको बहुत बढ़िया लगा होगा, बहुत पसंद आया होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके यूज के भी हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।